आज सब्जी क्या बनाएं, सभी की यही प्रॉब्लम होती है। आज ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इस वीडियो को पूरा देखिए। डे वन में मैंने बनाया है मटर पुलाव, साथ में बनाया है सूखे आलू मटर की सब्जी, क्योंकि सभी को साथ में दो सब्जियां चाहिए होती हैं, एक ड्राई और एक ग्रेवी। ग्रेवी मैंने बनाया है तवा चाप, साथ में है एक लच्छा पराठा और एक पापड़, और है खूब सारा सैलेड जो कि लंच में बहुत ज़रूरी है, और मीठे में है मावा बर्फी। चलिए देखते हैं डे टू में मैंने आज क्या बनाया है। आज की थाली में है सरसों का साग, मटर पत्ता गोभी की सब्जी और थोड़ी सी हल्दी वाले चावल फॉर अ चेंज, साथ में आलू का पराठा और खूब सारा सैलेड, ये तो थाली में बहुत ज़रूरी है। मीठे में है शाही टोस्ट जिसके ऊपर मैंने अच्छे से चाशनी डाल दी है। अब चलते हैं डे थ्री में। सब्जी रोटी बहुत खा ली, आज बनाएंगे पापड़ी चाट वाली थाली। सबसे पहले मैंने ली है पापड़ी, उसके ऊपर डाल दिए आलू, छोले और खूब सारा गाढ़ा दही, उसके ऊपर डाले मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, जिसके ऊपर डाला फिर मैंने मीठी चटनी और ग्रीन चटनी, और ऊपर से डाल दी बूंदी, और इसे रिच लुक देने के लिए डाल दिए थोड़े से कटे हुए बादाम और किशमिश। साथ में है गोलगप्पे का खट्टा पानी, मीठा पानी, आलू और छोले जिसके ऊपर मीठी चटनी डली हुई है, और साथ में गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे के बिना तो ये थाली अधूरी है। ये लंच की थाली तो सभी को बहुत पसंद आने वाली है। चलते हैं देखते हैं डे फोर में मैंने क्या बनाया है। एक है लच्छा पराठा, साथ में चने की दाल, साथ में है मसाला आलू, और प्लेट में जो सबसे ज़रूरी है वो है सैलेड जो कि हमें लंच में ज़रूर खाना चाहिए, और है जीरा राइस। रोज़ मीठा भी नहीं खा सकते तो मैंने मीठे की जगह रखा है आज ढोकला। देखते हैं डे फाइव में आज मैंने क्या बनाया है। आज है सबका फेवरेट चना मसाला, और ड्राई सब्जी में है मिक्स वेज। अब चना मसाला है तो जीरा राइस तो होगा ही, साथ में है जीरा राइस और है एक पराठा, और खाली रोटी सब्जी भी नहीं खा सकते तो साथ में है वेज मैगी, और मीठे में है सेवियों की खीर। आ गया ना सबके मुँह में पानी। वैसे कहा जाता है अगर खाना देखने में सुंदर हो तो खाने में उसे और भी मज़ा आता है। सबसे पहले लेंगे एक प्लेट, उसके ऊपर रखेंगे एक कांच का ग्लास, उसमें डाल देंगे चावल। चावल को अच्छे से फिल कर देंगे दबा दबा के, ताकि जब हम इसे उल्टा करके इस तरीके से रखें तो चावल ग्लास की शेप ले लें। साइड में हम रख देंगे सैलेड, मैंने रखा है खीरा, प्याज, गाजर, मूली, जो आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं। मैंने साथ में रखा है एक मिर्ची का अचार भी। अब धीरे से हम इस ग्लास को उठाएंगे ताकि चावल की शेप खराब ना हो, और साइड में हम डाल देंगे छोले। मैंने छोले यूज़ किए हैं, आप दाल या जो भी आपके घर में सब्जी बनी है वो आप डाल सकते हैं। ऊपर से रख देंगे सैलेड, देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। यहाँ मिलेंगी आपको शॉर्ट्स, वीडियोस, सब कुछ। चलिए देखते हैं डे सिक्स में मैंने क्या बनाया है। आज की थाली में है जीरा राइस, क्योंकि राइस तो सभी को पसंद होते हैं। साथ में है एक पराठा और है कढ़ाई पनीर, क्योंकि पनीर की डिश भी अधिकतर लोगों को बहुत पसंद होती है, और है सबकी फेवरेट दाल मखनी। साथ में मैंने रखे हैं दही बल्ले, जिसके ऊपर मैंने खूब सारा दही डाला है, नमक और चाट मसाला डाला है, और एक रखा है गुलाब जामुन मीठे में, और मीठी चटनी मैं डालना भूल गई थी, वो मैंने बाद में डाल दी है। आ गया डे सेवन यानी कि संडे। संडे को सबकी छुट्टी होती है तो हमने रखी है स्पेशल थाली, जिसमें है तंदूरी चाप, वेज नूडल्स, ग्रीन चटनी और तंदूरी मोमोस, और मीठे में है आइसक्रीम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।